हमारे पहले कंटेस्टेंट आज के उनका नाम है जी मोहम्मद अफहम और ताल्लुक इनका कराची से, स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे छोटे से जी। ये हमारा बहुत प्यारा छोटू सा, एक जबरदस्त सा हमारा पार्टिसिपेंट, इसने बहुत अच्छा पढ़ा है और हमेशा बहुत प्यारा पढ़ता है और आज बहुत एक्साइटेड आज भी इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करें। इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। बेटा माशाल्लाह बहुत खूब, सुभानअल्लाह। इसी तरह मैं देखता हूँ कितने खुशनसीब हैं कि देखने में बिल्कुल छोटे से हैं लेकिन आवाज में इतना कंट्रोल, और फिर जो कलाम पेश कर रहे हैं जिनके लिए, वो देखिए क्या ही करम नवाजी है जी। फसी भाई और सभी भाई, ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आपके कुछ कॉमेंट्स हम ले रहे हैं जी। फसी भाई मैं कहूँ जी, प्लीज अफहम को पहले दिन से, फर्स्ट डे से ये मैं कह रहा हूँ कि आपकी तलफ्फुज की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, सही कोई, और बैठा और नहीं नहीं पे इन्होंने एक दफा बड़ी हे लगाई, नहीं सही अब सही। आप जब सुर पे दांत देंगे तो बच्चा कहां से तलफ्फुज़ की तैयारी करेगा? आप हमें डांट रहे हैं? नहीं, जब आप सुर पे दांत देंगे, जब आप सुरों पे दांत देंगे तो बच्चा कभी तलफ्फुज़ पे नहीं आएगा, बहुत अच्छी। तो आपका मतलब है कि उनका बिल्कुल तवज्जो बहुत अच्छा है, आवाज बहुत अच्छी है? हजरत आप सुर पे दांत देते हैं, तलफ्फुज़ पे भी दांत देना, आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि तलफ्फुज़ बहुत अच्छा पढ़ा। सिर्फ एक चीज मुझे बताइए, क्या अगर अगर सुर कमजोर हो या आवाज कमजोर हो और तलफ्फुज़ सही हो तो तब मैटर? देखे दोनों गलत, तीनों चीजें, सब चीजें बिल्कुल। देखिए तलफ्फुज़ है, अदायगी है, लहन है, लहन है, ठीक है, कलाम-ए-इंतखाब है, ठीक है। सभी भाई आप क्या कहेंगे इस बात, क्योंकि फसी भाई ने तो बड़ी अच्छी बात भी कर दी और वो सबको ठीक भी कर रहे हैं कि जाहिर है ये करना जरूरी है, आप क्या कहेंगे? मैं इस बात से इख्तलाफ तो नहीं कर सकता किसी भी तौर पे कि तलफ्फुज़ साफ ना हो, इसलिए कि हम तरबियत करने बैठे हैं, हमें हर चीज़ बतानी है जो बताना है। तलफ्फुज़ के मसाइल के साथ साथ आज अफहम की जो पेशकश थी ना कलाम की, ठीक है, वो वैसी नहीं थी जैसे इससे पहले हम सुन चुके हैं, इसलिए कि इसने शुरू बहुत डल किया
अंतरे में भी इसका गला वैसा नहीं नजर आया जैसा इसने पिछली मर्तबा पढ़ के देखिए सर, मैं माजरा चाहता हूँ दोनों से, क्या हम ओवर एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे इस बच्चे से कि पहला बहुत अच्छा पढ़ लिया और दूसरा उससे कम था। ये मरहला है, ये मरहला है अब आगे का। जी जी, अब इसमें सारे बच्चे जो है ना सब नुमाइंदा निकल के आ रहे हैं, अफहाम भी इस मंजिल तक आया, ये इसकी कामयाबी है। ठीक है, लेकिन ये कि अगर किसी को जज करना है तो उसकी पढ़ाती पर करना पड़ेगा। हम किसी भी जाविये से उसको ये नहीं कह सकते कि आप तलफ्फुज़ के बारे में, जिस तरह फसी भाई ने तलफ्फुज़ के बाद एक दो लफ्ज़ जो इन्होंने निशानदेही की है कोई और बैठा अगर इस्तेमाल किया है, बैठा तो मेरा बेटा आप कैसे कहते हैं बैठा, कैसे बोलते हैं जरा बोलिए। कोई जो है ना, जब नाक जो लफ्ज़ नाक में नहीं जाने चाहिए वो नाक में नहीं जाने चाहिए। ठीक है, और वो देखिए वो नू छोटी है और बड़ी है के चक्कर में उसने एक दफा नहीं जो है वो बड़ी है से कर, नहीं नहीं। ठीक है बेटा, ऐसा हुआ है आपको लगता है ये जो बता रहे हैं आपके टीचर्स हैं, आप इतना आप सीख रहे हो माशाल्लाह और आपको अल्लाह ताला बहुत तरक्की देगा, ये छोटी छोटी करेक्शंस हैं जो एक जरूरी होती है। हम चाहते हैं बेटा जो आपको जितनी भी बातें बताई ना, अब आपके क्योंकि वालिद साहब भी यहाँ पे खड़े हैं तो वो ये चीजें अपने मतलब दामन में और घर आप लोग लेके जाएंगे कि आप लोगों ने तलफ्फुज पे बहुत सारी चीजें जैसे कह रहे हैं और फसी भाई इम्पोर्टेंट भी है वैसे बोला, अभी तो इतने छोटे में आईडिया नहीं होगा। बैठा कैसे बोलते हैं आप, जरा वैसे लफ्ज बोले अब माइक पे बोले। बैठा बैठा, अभी साउंड यू तो सही कर रहा है या नहीं कर रहा? बैठा का तलफ्फुज़ होता है ना, जिसका कोई का मसला जो है ना, ठीक है, जब आप लफ्ज को नाक में ले जाते हैं तो उसका साउंड मुख्तलिफ हो जाता है। ठीक है, बट आई एम श्योर कि इस मर्तबा बेटे ये अल्फाज की मसाइल तो अपनी जगह है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल जैसी आपने हमें सुनाई पहले और जैसा हमने पहले सुना आपको, आज थोड़ा ऐसा है जैसे आपको नींद से उठा के अचानक कह दिया जाए कि पढ़ो। ऐसा है क्या? ऐसा है, माइक पे बोले ना बेटा, माइक पे बोले, प्रैक्टिस करके आए थे। ये तो उस दिन रिकॉर्ड भी की थी यही वाली नात थी बहुत खूबसूरत, और हमने बल्कि सभी भाई ने कहा कि ये अगर पढ़े तो बहुत अच्छा है। खैर जी, अच्छा जी, जल्दी से जी कमेंट दीजिए, आप वोट के लिए, वोट के लिए अपील कर दो अपना। मेरा नाम मोहम्मद अफहम है, आप लोग मुझे वोट करें। ठीक है, ठीक है जी, स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आ रहा है, आप लोग वोट जरूर दीजिएगा। ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत दूर से आते हैं, इनको जरूर वोट दीजिएगा।